बिहार के रहने वाले फारूक पिछले 4 साल से दरियागंज के इस रैन बसेरे में रह रहे हैं। बेघर फारूक के लिए रैन बसेरा उनके घर जैसा बन गया, लेकिन फारूक एक बार फिर बेघर हो गए हैं। ये तो बात है, बंद हो जाएगा तो फिर वही रोड पे ही रहना पड़ेगा, क्या करेगा। और कोई तो साधन है नहीं कि हम लोगों के पास के रूम लेकर के रहे। आपको तो और ज्यादा दिक्कत होती होगी। बहुत बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी होती है। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम सर 3.5 साल से रह रहे हैं सर यहाँ। तो ये तो एक तरीके से आपका घर जैसा बन गया। हाँ, तो घर ही है सब कुछ सर। जब हमारे रहना सहना उठना बैठना ही है तो हमारे घर ही है, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। फारूक की तरह ही 60 साल के आनंद कुमार भी नई छत की तलाश कर रहे हैं। मिल जाए तो किस्मत, नहीं तो आसमान को छत और सड़क को ही बिस्तर बनाना होगा। फारूक और आनंद इकलौते नहीं हैं जिनसे उनका आशियाना छिन गया हो। ऐसे लोगों की तादाद करीब 120 है। अब रैन बसेरे में रहना है इसमें ही। तो रैन बसेरे में अपनी यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? अब कोई परेशानी, कोई मकान किराए पर नहीं मिलता, कुछ नहीं। किराए पर क्यों नहीं मिलता आपको? अरे मिलता ही नहीं। हाँ, पैसे नहीं है, कमता नहीं, बुढ़े आदमी है, 60-65 साल का वो हो गए, 50-60 के, तो काम भी नहीं मिलता ज्यादा। अपने इसमें ही अपने पड़े रहते हैं तो सही रहते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के शहरी आश्रय बोर्ड की तरफ से इन रैन बसेरे के लिए एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक बेघर लोगों के रहने के लिए बने रैन बसेरे के 3 कमरे आम आदमी पार्टी के विधायक असीम अहमद खान के दफ्तर के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। रैन बसेरे के कमरे दिल्ली विधानसभा की सिफारिश आवंटित की गई है। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए बेघर लोगों से उनका आशियाना छीन लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने तुर्कमान गेट के रैन बसेरे को लेकर एक आदेश जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि उनके विधायक असीम अहमद के लिए 3 कमरे खाली किए जाए। इस वक्त हम उसी तुर्कमान गेट के रैन बसेरे में मौजूद हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक के लिए 3 कमरे खाली करा दिए गए हैं। कमरा नंबर 7, कमरा नंबर 8, कमरा नंबर 9। और ये कमरे जो है यहाँ के विधायक के दफ्तर के लिए खाली कराए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस रैन बसेरे में कुल मिलाकर 12 कमरे हैं, जिनमें से अभी तक 9 कमरों में जो बेघर लोग थे वो रात के वक्त और दिन के वक्त सोने आते थे, आराम करने आते थे, लेकिन अब उनके लिए सिर्फ कमरों की संख्या 9 से घटकर 6 रह गई है, क्योंकि 3 कमरे आम आदमी पार्टी के विधायक के लिए खाली करा दिए गए हैं। एक कमरे में लगभग 40 बेघर लोग सो सकते हैं, तो ऐसे में ये 3 कमरे खाली होने से करीब 120 बेघर लोगों की जो छत है वो उनके सर से अचानक छिन गई है। यहाँ रहने वाले लोगों ने आप विधायक असीम अहमद पर गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया। बेघर लोगों ने बताया कि आप विधायक अब तक 2 बार रैन बसेरे में आकर लोगों को कमरे खाली कराने की धमकी दे चुके हैं, लिहाजा कमरों पर ताला जड़ दिया गया। 17 तारीख को MLA असीम अहमद खान ने अपने भाई को भेजा यहाँ पे कि हमारे को रैन बसेरे के 3 कमरे खाली करवा दो। वो आए तो उन्होंने बोला कि आप कमरे खाली करो, हमने बोला भाई ऑर्डर दे दो। 17 के बाद फिर 19-20 तारीख के बीच में फिर असीम अहमद खान खुद आया, अपने 10-15 गार्ड लेके आया और यहाँ पे बदतमीज़ी करा कि आप इस कमरे को खाली करते हो कि नहीं करते हो। हमने बोला भाई एक ऑर्डर दो। ऑर्डर तो हमारे पास 3-4 दिन पहले आया है कि आप इसको खाली कर दो, लेकिन तब इसको खाली करा दिया गया है जब जिस टाइम MLA यहाँ पे आ गया था उस टाइम खाली करा दिया गया था। और MLA ने ये भी कहा कि इस पूरे रैन बसेरे का कंसेशन लेटर बनाऊंगा मैं और दिल्ली गवर्नमेंट को दूंगा, ये पूरा मेरे को ऑफिस के लिए चाहिए। ऐसे आपको बता दें कि विधायक के दफ्तर के लिए बेघर लोगों से उनकी छत छीनी गई है। उनके चेयरमैन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधायक के दफ्तर के लिए बेघर लोगों से उनका आशियाना छीनने पर जब सरकार घिरती नजर आई तो विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने मामले की जानकारी न होने की बात कहकर कैमरे पर बोलने से इनकार किया। एक घर सालों साल लंबी मेहनत के बाद तैयार होता है और जब वो घर एक ही झटके में छिनता है तो उसका दर्द कैसा होता है, ये घर छिनने वाले से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इन बेघर लोगों ने इस रैन बसेरे को अपना घर बनाने के लिए मेहनत तो नहीं की, लेकिन इनको दर्द उतना ही हो रहा है जितना किसी को
अपने आशियाने छीनने का होता है। बड़ा सवाल यही है कि इन बेघर लोगों को एक बार फिर से बेघर कर एक विधायक का दफ्तर बनाना कहां तक सही है। कैमरामैन राकेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।